चलिए, आप लोगों के लिए एक नोटिस है। सैटरडे को आप लोगों का साइंस का एक्टिविटी होगा, ठीक है? तो साइंस की एक्टिविटी में मैंने आप लोगों को बताया ना क्या बनाना है। यस मैम। क्या बनाना है बताओ? मैम चैप्टर वन का इरिगेशन बनाना है। हाँ, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों बनाना है चार्ट पे, और उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है? और ये एक्टिविटी आपको सैटरडे की होगी, ठीक है? तो आज हम लोग करेंगे साइंस का चैप्टर सेकेंड, ठीक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गौरव राधिका नहीं है तुम्हारे साथ में? नो मैम। क्या हुआ राधिका को? मैम वो नानी के यहाँ गई है मम्मी के साथ। अच्छा, वो नानी के यहाँ गई है। अच्छा, चलो अब आप सबको पता है ना, लास्ट क्वेश्चन लीजिए। सैटरडे को आप सबका साइंस का एक्टिविटी है, तो आप लोगों को क्या करना है, चार्ट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पे, ठीक है? और उस पे आपको वीडियो बनानी है और फोटो क्लिक करके भेजनी है, तो वो आपको इस नंबर पे आपको भेजनी है। ठीक है, इस नंबर पे आप सबको, हाँ, इस नंबर पे आप सबको भेजना है साइंस की फोटो और वीडियो, ठीक है? Yes, चलो, सबने नोट कर लिया ना नंबर? मैम नंबर, हाँ, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर को नोट करने पे आपको क्या करना है, जो वीडियो और फोटो आपको खींच के इस नंबर पे ही भेजनी है, ठीक है? यस मैम। और जब क्लास भेजेंगे ना, तो अपनी क्लास भी डाल दीजिएगा कि आप किस क्लास से हो, ठीक है? यस मैम। ठीक, नोट हो गया? यस मैम, कर लिए। ठीक, अगर जिसका नहीं हो पाया तो यूट्यूब पर पढ़ा होगा, तो वहां से देख लेना नंबर, ठीक है? यस मैम। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ये हमारे फ्रेंड है या फिर हमारे दुश्मन है? यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सबने क्या होगा, कई सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। However, there are other living organisms which us around we normally cannot see. तो हमारे आसपास ऐसे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिसको नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं। These are called the microorganisms or microbes. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम microorganisms या फिर microbes बोलते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. जब रेनी सीजन आते हैं तो आपने ब्रेड्स में देखा होगा, जब ब्रेड्स गीली हो जाती हैं और काफी टाइम तक रखी होती है, तो उनमें क्या होता है, एक ग्रेश व्हाइट कलर के पैचेस निकल आते हैं। ये जो पैचेस होते हैं, ये माइक्रोब्स होते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रूली अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से इन पैचेस को देखोगे, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स।
उसमें आपको क्या दिखेंगे, आपको छोटे छोटे ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. तो ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं और ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. फिर आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अयाज चलिए रीड करिए. मैम एक्टिविटी पढ़ना है. एक्टिविटी 2.1. एक एक्टिविटी पढ़िएगा ठीक है. एक्टिविटी 2.1. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू सी. तो एक्टिविटी 2.1 में क्या बोला, हमने एक जार लिया और उसमें क्या डाला, सॉइल डाल दिया और उस सॉइल में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया. जब जो सॉइल था हमारा सेटल डाउन हो गया तब हमें क्या करना था, उस वाटर की ड्रॉप्स को हमें माइक्रो, जो हमारा माइक्रोस्कोप था उसमें चेक करना था कि मतलब कि कैसे क्या चीजें उसमें हुई हैं. तो ये था आपका एक्टिविटी 2.1. अगर आपका माइक्रोस्कोप ये एक्टिविटी तो अगर स्कूल खुला होता तो परफॉर्म होती, पर स्कूल तो बंद है तो इसको आप देखिएगा ठीक है, आपको क्या दिखता है ठीक है. फिर नेक्स्ट आगे पढ़िए 2.2. एक्टिविटी 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. हाँ, अब जैसे यहाँ पे क्या करा था हमने 2.1 में पढ़ा था कि हमने एक जार लिया उसमें सॉइल में वाटर ऐड किया फिर उसको ऑब्जर्व किया. अब यहाँ पे हमने कौन सा वाटर लिया है, पॉन्ड का वाटर लिया है. अब हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चीज हमें दिखाई देती है माइक्रोस्कोप से. तो जो सॉइल वाटर है और जो पॉन्ड वाटर है दोनों को हमें क्या करना था यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करना था ठीक है. चलो अब गौरव इसके आगे पढ़िए. यस मैम. डू यू फाइंड दैट एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. क्या जब इन एक्टिविटीज को हमने किया तो इसमें हमें जो वाटर था उसमें छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो हमको घूमते हुए दिखाई दिए. अब आगे पढ़ो. दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टेनी ऑर्गेनिज्म थॉट नॉट ऑल बस बस जहां तक बस फ्लो में बच जाओ, जहां पे कॉमा और फुल स्टॉप आ रहा है वहां पे रुक जाया करो ठीक है. यस मैम. तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमने करा था इन दोनों एक्टिविटीज में तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि जो वाटर था उसमें छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या थे, प्रेजेंट थे. अब आगे पढ़ो. थॉट नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब. हाँ, तो क्या अब इनमें से जो जितने भी हैं जो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए क्या वो सारे माइक्रोब की कैटेगरी में आ सकते हैं. आगे पढ़ो. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेट आईज. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अनएडेड आईज से नहीं देख सकते. अनएडेड आईज का मतलब होता है हम जैसे हमारी ये आईज है इनको हम अनएडेड आईज बोलते हैं. तो इसमें जो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे. उसको हम सिर्फ किसके हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं ठीक है. Yes, ma'am. Some of these, such as the fingers that grow on hand. Fungus. Yes, ma'am. Fungus that grows on bread. तो इनमें से क्या है, कुछ ऐसे फंगस हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ब्रेड पे ग्रो करते हैं. आगे. Can be seen with a magnifying glass.
ऐसे कुछ फंगस हैं जो ब्रेड पे ग्रो होते हैं और उनको हम किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा दिखता है? यस मैम, सबको पता है ना, जो चीज छोटी होती है वो आपको बड़ी दिखाई देती है मैग्नीफाइंग ग्लास से। यस मैम। हाँ चलो आगे पढ़ो। अदर कैन नॉट बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हाँ, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू, दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। यस मैम, इसलिए हम उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ऐसे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो हमें अनएडेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, किससे दिखाई देते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं या फिर नहीं भी दिखाई देते हैं। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप काफी मैग्नीफाइंग ग्लासेस में चाहिए, काफी जो सुपर वाला नहीं होता है। माइक्रोस्कोप्स में भी कई सारे आते हैं ना, रेंजेस आती है ना, एकदम हाईली वाला होता है उससे हमको दिखाई देता है, जो हमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो अब रुद्राक्ष, अब आप आगे पढ़िए। यस मैम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. बस जो microorganisms होते हैं ये किसमें divided हैं? ये हमारे four categories में divided हैं। Microorganisms कितने categories में divided हैं? Four categories में divided हैं। और ये four categories हमारी कौन सी हैं? Bacteria, fungi, protozoa, and algae। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1-2.4. तो यहाँ पे आप पीछे पेज टर्न करो बुक में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके जो कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स है, वो आपके दिखाई देंगे। पेज नंबर 18 पे आपको बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगीज के कुछ इमेजेस आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, और वायरस भी दिखाया गया है। मेन यहाँ पे आपका बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंगी है। ठीक है, देख लिया सबने? यस मैम। चलो अब आगे पढ़ो। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside. Viruses are also microscopic. Viruses क्या है? ये भी microscopic है. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism. और ये सिर्फ कहाँ पे reproduce करते हैं? जो host cell होते हैं, उनके जो host होते हैं, उनके cells के अंदर ही क्या करते हैं? Reproduce करते हैं, means अपने आप को बढ़ाते हैं। जो कौन से हो सकते हैं? या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या प्लांट हो सकता है, या फिर एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। यहाँ पे हमने पीछे देखा था ना, पेज नंबर 19 पे 2.5 फिगर शो करी हुई है हमें वायरस की। तो वहां पे हमने कुछ वायरसेस की इमेजेस को देखा है। Common elements like cold, influenza, and most cough are caused by viruses. जो कुछ common diseases हैं जो आपको usually होती रहती हैं, जैसे कि cold, cough, influenza, ये किसकी वजह से होता है? ये virus की वजह से ही होता है। ठीक है? Yes, ma'am. Serious diseases like polio and chicken pox are also caused by viruses. और जो serious disease है, जैसे कि polio और chicken pox, ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी virus की वजह से होता है। चलिए, शिवम चौहान आगे पढ़िए।
शिवम मैं माइक ऑफ है इसका पता है ओपन नहीं शिवम शिवम अपना माइक ऑन करो बेटा चलिए गौरव फिर से आगे पढ़िए मैम डिसीजेस लाइक डेनिटिक्स एंड मलेरिया आर कॉल्ड बाय प्रोटोजोआ वेयर्स टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस डिसीजेस लाइक डेनिस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ कुछ डिसीजेस है जैसे कि डेनिस्ट्री एंड मलेरिया ये किसकी वजह से होता है ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से किसकी वजह से होता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है जबकि जो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है ये किसकी वजह से होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है मींस कुछ डिसीज ऐसी होती है जो हमें प्रोटोजोआ की वजह से होती है कुछ डिसीज हमें बैक्टीरिया की वजह से होती है कुछ डिसीज हमें वायरस की वजह से होती है ठीक है So you have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7. So class 6 and 7th में आपने इन कुछ microorganisms के बारे में तो पढ़ा ही होगा याद भी होगा या भूल भी गए होंगे है ना मोस्टली चांसेस ना भूल गए होंगे है ना बच्चों भूलने के नाम पे किसी की आवाज से निकल ले है ना चलो आगे पढ़ो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं मींस जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है या फिर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होता है अगर सिंगल सेल बोलेगा तो मतलब एक सेल प्रेजेंट है और अगर मल्टी सेलुलर बोलेगा तो एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है जो मल्टी सेल होते हैं वो कौन है बैक्टीरिया सम एल्गी एल्गी हमारी सिंगल सेल में भी आती है और मल्टी सेलुलर में भी आती है ठीक है जो कुछ एल्गीज हमारी सिंगल सेल में आती हैं और कुछ एल्गीज हमारी मल्टी सेलुलर में आती है और सिंगल सेल में और कौन सा आ गया फंगी आ गया अब जो मल्टी सॉरी प्रोटोजोआ आया सिंगल में आया प्रोटोजोआ सिंगल में कौन सा आएगा बैक्टीरिया सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और जो मल्टी सेलुलर है उसमें कौन आ जाएगा फंगी एंड एल्गी ठीक है दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हर एक जगह पे क्या कर लेते हैं सर्वाइव कर लेते हैं ये ठंडी जगहों पे भी सर्वाइव कर लेते हैं ये गर्म जगहों पे भी सर्वाइव करते हैं और जो ड्राई होते हैं मीन्स डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे भी क्या करते हैं ये सर्वाइव करते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन और साथ साथ क्या होता है ये हमारी बॉडी के अंदर भी एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे पे ग्रो करते हैं मीन्स अपने होस्ट पे ग्रो करते हैं ठीक है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं फ्री होते हैं वो कहीं पे भी अपने आप को ग्रो इजिली कर लेते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन. अब जैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये कैसे रह लेता है, ये अकेले रह लेता है. तो यहाँ पे आपने फिगर पेज नंबर 18 पे देखिए, पेज नंबर 15 में आपको प्रोटोजोआ में अमीबा दिखाई दिया होगा. ये अमीबा है ना. तो जो अमीबा का शेप होता है ये इरेगुलर होता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है. तो यहाँ पे आपको शेप दिखाया गया है अमीबा का, वो उसका प्रॉपर शेप नहीं है, ये किसी भी शेप में आप उसको बना सकते हो. ठीक है, yes, ma'am. इसलिए अमीबा को इरेगुलर शेप भी बोला जाता है. ये चीज आप कभी आगे पढ़ोगे ना, आगे वाले चैप्टर्स में, आपकी आगे वाली जो क्लासेस है उसमें आएगा. ठीक है, अमीबा के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे अभी. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है हमारा अमीबा, ये हमेशा कैसे रहता है, ये ज्यादातर अकेले रहता है. कैसे रहता है ये ज्यादातर अकेले रहता अकेले रहता है. हाँ, फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, जबकि फंगी और बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, कॉलोनीज में मिलके रहते हैं. ये कैसे बनाते हैं, अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं और उस कॉलोनी में ही ये सारे एक साथ इकट्ठा मिलके रहते हैं. पर जो प्रोटोजोआ है अमीबा, ये कैसे ज्यादातर रहता है, ये ज्यादातर अकेला पाया जाता है. ठीक है, अब समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं. चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करता है, हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन many ways, whereas some other are harmful and causes. कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, means हमें उनसे कुछ ना कुछ फायदा मिलता है. पर कुछ microorganisms ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो beneficial नहीं होते हैं, means हमें क्या हो जाएगा, उनसे कोई ना कोई बीमारी हमें उनसे हो जाएगी. Let us study about them in detail. अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिट लाते हैं, मीन्स हमें उनसे हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से फायदा मिलेगा. तो पहला है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are used for various purposes. So, microorganisms को हम क्या करते हैं, बहुत सारे purposes के लिए हम इनको use कर सकते हैं. They are used in the preparation of curd, bread and cake. और ये जो microorganisms होते हैं इसको हम क्या बनाने में use कर सकते हैं, curd बनाने में, bread बनाने में, cake बनाने में, bread of cake. केक बनाने में आप बताओ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. ये क्या लिखा है, ईस्ट. हाँ, ईस्ट जो हम केक बनाने में यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में, वो ईस्ट का यूज करते हैं. और ईस्ट हमारा क्या होता है, ईस्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, और जो कर्ड होता है, कर्ड भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया से बनता है. जो कर्ड होता है, जो कर्ड बताओ, दही होता है ना, दही तो जानते हो सब. यस मैम. यस मैम. जो दही होता है ये भी एक बैक्टीरिया से बनता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैलिकम. जो उस बैक्टीरिया का नाम होता है वो होता है लैक्टोबैलिकम. ये क्या करता है, ये दही को, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, यस मैम. तो देखो जो ईस्ट है ये हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. जो J
जो लैक्टोबैसिलस है, ये जो ये भी एक बैक्टीरिया है ना, ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमको हेल्प कर रहा है ना। यस मैम। तो क्या होते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, हमारे लिए फायदा लेके आते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा यीस्ट के बारे में, ब्रेड कुछ ऐसे होते हैं जो हमें क्रिया बनाने में हेल्प करते हैं, कर्ड ब्रेड केक बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स pieces etc are broken down into bacteria and usable substance by bacteria. अब जो भी organic waste होता है वो क्या होता है, वो किसी ना किसी तरीके से यूज होता है ना। तो देखो जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस मैम। बताओ मैन्योर में हमने क्या पढ़ा था? मैन्योर में हमने क्या पढ़ा था? बच्चों याद कर लो, ये कॉमन चीजें हैं। जो मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। जो वेजिटेबल पील्स, डेड प्लांट्स वेस्ट, जो भी डेड चीजें होती हैं, उन सब से मिलके बना होता है, ठीक है। जो क्या करती है, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देती है और जो भी बच जाता है वही क्या होता है, वही मैन्योर होता है। तो क्या करता है, फील्ड को हेल्प करता है, उनमें अच्छी ग्रोथ लेके आता है प्लांट्स में, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया से वो साहब क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको यूजफुल में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन होते हैं? यही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जो भी हमारी मेडिसिन बनती है उसमें भी किनका यूज होता है, बैक्टीरिया का ही यूज होता है। कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें किसका यूज होता है, बैक्टीरिया का ही यूज होता है। जैसे कि बचपन में आप लोगों को इंजेक्शन लगे होंगे, है ना? यस मैम। वैक्सीनेशन आप लोग का बचपन में हुआ है ना? बताइए। तो उसमें क्या किया था डॉक्टर ने, जो भी बैक्टीरिया था, जिस भी डिसीज का बैक्टीरिया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपकी बॉडी में उसने पहले से ही डाल दिया, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप डिसीजेस से फाइट कर पाते हो। इसी वजह से क्या होता है, जो भी हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है वो किन से बनती है, फ्रेंडली बैक्टीरिया से बनती है। इसलिए ये भी बोला जाता है जो हमारी मेडिसिन होती है वो फ्रेंडली बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। और जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? उसमें नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। तो बताओ हमने लास्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन कैसे बढ़ता है, जब सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है तो कैसे प्लांट्स उसको, जो बैक्टीरिया होता है वो एयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, पढ़ा था ना। कोई रिवाइज नहीं किया ना फर्स्ट चैप्टर, जरूरत ही नहीं थी रिवाइज करने की, क्यों क्यों बच्चों, ये बताओ, किसी ने रिवाइज नहीं किया ना फर्स्ट चैप्टर? इतने दिनों से अगर साइंस की क्लास नहीं चल रही थी तो तुम लोग को रिवाइज नहीं करना चाहिए था।
बोलो गौरव, आयास, रुद्राक्ष, शिवम। मैम हम घर पे नहीं थे। अच्छा, और गौरव और रुद्राक्ष? मैम हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ही नहीं था, तब मैम ऑनलाइन नहीं आते थे। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया था, तो बेटा क्लासेस आपकी सारी ऑनलाइन पड़ी हुई है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। रुद्राक्ष तुम तो स्टार्टिंग से आ रहे हो, तुम बताओ तुमने क्यों नहीं करा? यस मैम। सब तुमको तीन तीन बार चैप्टर रिवाइज करवाया है, चैप्टर फर्स्ट है ना? यस मैम। कम से कम तीन बार रिवाइज करवाया है ना, फिर क्यों नहीं किया? अब तुम लोगों को क्या करना है, जितना आज पढ़ाया है इतना पढ़ना है, चैप्टर को समझना है, और क्या करना है, चैप्टर फर्स्ट पूरा रिवाइज करना है, ठीक है? Yes, और जो वीडियो जो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाया है, ऑनलाइन आपकी सारी यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हुई है, वहां पे जाइए सारी क्लासेस को देखिए, ठीक है? अपनी क्लासेस को पूरा करिए, ठीक है? और सैटरडे का आप लोगों का साइंस का एक्टिविटी है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से चार्ट बनाइएगा, ठीक है? Yes, yes, और मेरे को सुनना ना पड़े, मैं पहले बोल दे रही हूँ तुम लोगों से, ठीक है ना, कि मैम हमने नहीं किया, मैं हम कर लेंगे आप। हाँ, ये हमने नहीं किया, हमने नहीं किया ना, मेरे को किसी से नहीं सुनना है, ठीक है? सबको काम करना है, मैम कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक, अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे बच्चे हो, इसलिए कोई बहाना नहीं बनाना, सब लोग बनाना, ठीक है? पढ़ाया हुआ है मैंने, और एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना? तो क्लासेस आपके पे पड़ी हुई है। हाँ बेटा, आप क्या करना, आप लोग फोटो खींच के भेज देना, यहाँ ऑनलाइन भी आपको बोलना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप लोगों को दिखा के बोलना पड़ेगा ऑनलाइन में भी, तब आपको बस जितना आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो उतना एक्सप्लेन करना, और क्लासेस आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई है, अगर कहीं पे डाउट हो तो वहां पे जाके क्या करना, देख लेना, ठीक है? कम से कम तीन तीन चार चार बार मैंने बताया है तुम लोगों को, ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, मॉडर्न मेथड क्या होता है, ये तो तुमने गौरव तुमने भी करी है वाली क्लास, याद है? मैम फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े मैम, तब ऑनलाइन नहीं आते थे। मैंने वर्कबुक से जब रिवाइज करवाया था तब ये पूरा बताया था, एक एक चीज वर्कबुक याद है, तो वही बता देना तुम लोग, ठीक है? यस। अगर नहीं आएगा कुछ समझ में, ऑनलाइन क्लास आपकी पड़ी हुई है, उस पे जाना, पूरा देख लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है? यस मैम। सैटरडे को कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का भी, ठीक है? Yes, चलो बाय बच्चों। बाय मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय। बाय मैम।